तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडियन पीपल? हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग द अनचार्टेड में। मैं भी पुरुषा सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एक और न्यू एपिसोड में, एक और न्यू ब्लॉग में, जिसमें हम लोग मनाली को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इस एपिसोड में। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ खाए नहीं हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा था आजू बाजू पेड़ों का, तो मुझे एक पेड़ मिला है, क्योंकि आप सबको पता है कि मनाली कश्मीर वो सब में जो सेब होते हैं, एप्पल होते हैं, वो बहुत चीप होते हैं, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर उनकी फसल होती है और यहीं पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो देखिए जस्ट सामने मेरे ये एक पेड़ है। बताइए जी, आपको कैसा लग रहा है? कमर्शियल जगह पे बड़ी बड़ी होटलों में, फाइव स्टार होटल में सब रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप कभी ऐसी जगह पे रहना एक बार ट्राई कीजिए, आपको भी दिल से दिमाग से शांति लगेगी। यार ये हॉस्टल से निकलने के में तो हालत ख़राब हो गया, पूरी ऐसी चढ़ाई है, जब आ रहे थे तभी तो इतना फील हुआ नहीं। तो जैसा हमने आपको एपिसोड वन में वादा किया था कि अगर हमें कोई फॉरेनर दिखता है तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इंडिया में ट्रैवलिंग करने का, तो इसी के तलाश में हम लोग निकल पड़े। और थोड़े ही देर चलने के बाद हमें ये दोनों फॉरेनर दिखे और इनसे हमने सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसा लग रहा है इंडिया में ट्रैवल करके। Two weeks. So she's been here for 4 months. She studied in Delhi. Yeah. Okay. Delhi University? Yeah, JNU. Oh, Delhi, yeah. JNU. You study what? Means? Sociology. So what do you find that Indian education system is far more better than South African? So you came here because we thought that here education system is lag behind as compared to the foreign one. So what do you motivate that we need to study here in India? It's part of a global studies program. Okay. That I study so you just semester in different universities. So yeah. So what is your opinion about Indian people? They're very friendly. Yeah. South Africans also pretty friendly. It's okay. Kind of similar. And you find here the things are costly or the cheaper? Yeah, cheaper for us. Cheap. And where are you going next to make your travel? Hamta Pass. Tomorrow. Oh, I see. Okay. If you have a time, then you must go to Hamta Pass. Yeah, we heard about it, but we not. For almost 14,000 feet. Yeah, nice meeting with you. All right, have a good day. Yeah. Nice meeting you. How can I find your video? I have a YouTube channel that is Exploring the Uncharted. Exploring? The Uncharted. Uncharted. जैसा हमने आपको वादा किया था वैसे ही हमने कोई फॉरेनर को पकड़ा और उनसे एक्सपीरियंस पूछा कि कैसा रहा मनाली का। तो आपने तो देख ही लिया होगा, वो जो लड़की थी वो जे एन यू पढ़ती थी एंड जो लड़का था वो आया था कुछ वीक्स के लिए ही इधर एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये था, मैं बस ये शो करना चाहता था और जस्ट जानना चाहता था कि फॉरेनर्स कैसा सोचते हैं इंडियन पीपल के बारे में, इंडियन थिंग्स के बारे में। ये बहुत सारे यहाँ पे स्टोर आपको मिलेंगे और ऐसा ही यहाँ पे पूरा मार्केट है और ये पूरा नीचे तक फैला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ढूँढ रहे हैं कौन सा अच्छा कुछ मिलता है खाने होने का प्लेस, तो उधर चलते हैं। और फिलहाल आप देखिए कैसा है ये ओल्ड मनाली का नज़ारा। यहाँ पे हमने एक और बात ऑब्जर्व किया है कि यहाँ के जो नॉर्मल डॉग हैं वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं हमारे शहर में वैसे नहीं है, थोड़े से किस टाइप के हैं गोविंद जी? हट्टे कट्टे शेर जैसे हैं, गोविंद जी ने हमें पहले ही बता दिया था, तो हमको भी देखने के बाद पता चला ये। तो पानी पूरी खाने आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे 30 रुपये का 6 प्लेट 30 रुपये का प्लेट मतलब 6 क्वांटिटी आएगा उसके अंदर। और चलिए टेस्ट करते हो फिर आपको बताते हैं कैसा है। साइड से गाड़ी आ रहा है। बहुत अच्छा है ये, हमको कितने का पड़ा? 30 रुपीज़ का पड़ा। फिलहाल अभी हमने वो मोमोज खाया, मोमोज बहुत टेस्टी था और पराठे भी अच्छे थे, हैवी थे,
और यहाँ पे जस्ट बाजू में आप ये देख सकते हो कितना मस्त नज़ारा है यहाँ पे। ये तो ट्रिप लाइन चलता है ऐसा, ये खेलने कूदने का माहौल ये सुबह से लेकर शाम तक चलता है। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करते हैं और ये जो रिवर है इसका आनंद लेते हैं। फिलहाल आप देखिए वहाँ से चढ़ के आए हम लोग और हमें और इधर तक अभी आगे तक जाना है, तो चढ़ाई में तो अभी हालत ख़राब हो रही है। इधर जो बात करें जो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है तो वो बहुत नैरो बनाया है, तो मुश्किल से ही दो कार जा पा रही है, तो यहाँ पे सब लोग कार लेके आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। यहाँ पर पार्किंग तो कर ही नहीं सकते, तो थोड़ा सा जाम लग जा रहा है हर जगह नीचे साइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही दुकानें हैं जिसमें ये सब मिल रहा है, ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, देख सकते हो। पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंड देन ये तो हुक्का के लिए यूज़ होता है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अब पता नहीं हम लोग किसकी दुकान में घुस गए। चलो निकलते हैं। उस मार्केट में हम लोग जैसे घूमे तो हमें कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा जो मेरे को लेना था। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ले, ये रहा वो चीज़, तो ये कपड़े से बनाए और यहीं पे ये लोग बनाते हैं, और इसका रेट उन्होंने 350 बोला था, पर थोड़ा सा बार्गेनिंग करने का वजह 250 में उन्होंने दे दिया, तो फिलहाल ये लिया है यहाँ से। थोड़ा सा बार्गेनिंग कीजिएगा अगर आप यहाँ पे आते हो, और एक दो और शॉप पे जाइएगा तो कम में मिल सकता है। ये मॉल रोड में ही आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको शॉपिंग वॉपिंग करना हो। तो आज इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कुछ कुछ खरीदना हो, और ऋत्विक भैया हम लोग आपको बताएंगे कि मॉल रोड की और क्या खासियत है, बताइए जी। जी तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम में भी देखा होगा कि ये जो रोड है वो इतना बिजी रोड हो चुका है आजकल। मनाली कमर्शियल जगह इतनी हो चुकी है कि लाइक अब आपको मज़ा नहीं आता, अब आप कहीं ऑफ बीट जगह जाना चाहते तो आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है। 7:30 बज रहा है अभी और हम लोग यहाँ पे आए हैं, चलिए कुछ देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगता है तो हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे। आपने जो तिब्बतियन मार्केट देखा, जो तिब्बतियन शॉप था उसके अंदर बहुत सारे तिब्बतियन चीज़ें मिल रही थी जैसा आपने देखा, तो अगर आपको लेना हो तो ले सकते हो। फिलहाल तो अभी हम लोग वापस से मोमोज खाएंगे, और इस बार मैं और गोविंद खाने वाले हैं चिकन मोमोज, जिसका कॉस्ट अराउंड 130 का 8 पीसीज है। ट्राई करते हैं, तू भी? हाँ ये नहीं खाता, तो मैं खाने वाला हूँ। 130 का अराउंड 8 पीसीज है, तो चिकन मोमोज ट्राई करते हैं। आ गया भैया आपका आ चुका है, तो ये आ गया चिकन मोमोज, इसको ट्राई करते हैं और देखते कैसे। गर्म ही आया, बहुत मस्त है। लगता है यहाँ पे पूरी मनाली की जनता आ गई है यहाँ पे। आपको कैसा लग रहा है गोविंद यहाँ पे पब्लिक देख के? बहुत भीड़ भाड़, इतने एक्सपेक्ट नहीं करते मनाली के अंदर इतनी भीड़ होगी। और यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि यहाँ पे मतलब ज़्यादातर फॉरेनर्स दिखेंगे, ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं, बहुत फॉरेनर्स हैं। बुद्धिस्ट भी दिखे मेरे को, बुद्धिस्ट फिर तिब्बतियंस भी है। और जब हम लोग यहाँ से आ रहे थे, जो हमने 100 में 1 किलोमीटर चला,
तो हमने एक नेपाली से बात किया था, एक नेपाल के थे, नेपाल से यहाँ पे आए थे अपने कुछ काम से। हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं क्योंकि हमारे पैर दुख चुके हैं, बहुत बहुत पेन हो रहा है अभी फ़िलहाल पैर में, क्योंकि सुबह से ही हम लोग चल रहे हैं, चढ़ाव उतार बहुत है सिटी में पूरी। हाँ, पर हमारे तरफ से ये गलती हुआ कि आज अगर आए तो आज पूरा रेस्ट करते, कल मार्केट वर्केट घूमते, एंड देन हम लोग परसों से निकलते। बट चलेगा, एक दिन का चलेगा, कोई गैप कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जाएंगे हम लोग तो सौर मार्केट देखेंगे, कुछ चीज़ें लगेगा तो खरीदेंगे। फिलहाल हम लोग टोपी लेने गए थे, तो टोपी लेने के बाद हमको वही सेम ग्लव्स दिखा जो हमने वो स्टोर से लिया, तो स्टोर वाले ने हमको बार्गेनिंग करने के बाद 200 में दिया, जबकि जो रोड पे बेच रहा था वो 150 में दिया। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हो तो रोड पे जो बेच रहे हैं उनसे पहले पूछ लीजिएगा। ये जैसे ये स्टोर दिख रहे हैं यहाँ पे, आप अगर पूछेंगे तो आपको सस्ते मिल जाएगा, हमको स्टोर में थोड़ा सा महंगा मिला, तो यही हमारी गलती हो गई। तो हमारी गलती से आप सीखिएगा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, फिलहाल बहुत घूम लिया, अब तो निकलते हैं और जो चीज़ हमें लेना था वो ले लिया। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो स्टार्टिंग से तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये देखिए, ये वही ब्रिज है। फिलहाल हम लोग उस मार्केट से निकले और यहाँ पे इस क्या नाम है इसका, काठमांडू कैफे में आए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाना खाया था और आपको मैं कुछ यहाँ का दिखाता हूँ टूर कैसा है। ये देखिए कितना बढ़िया शंकर भगवान का बनाया है और पूरा अंदर गाना होना से लेके सब बज रहा है। तो ये जो गाना बज रहा है कहीं कॉपीराइट ना आ जाए हमारे चैनल पे, चलेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे इतनी ठंडी हो चुकी है कि आप देखिए, हमने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिए हैं और यहाँ पे सॉक्स पहन लिए हैं। घूम तो रहे थे हम लोग चड्डे पहन के, मतलब मैं चड्डा पहन के घूम रहा था, तो इतना आइडिया नहीं था कि इतना ठंडी हो जाएगी। और देखिए गोविंद जी ने भी ग्लव्स पहन लिए जो हमने लिए थे, और ऋत्विक जी तो यहाँ पे सो ही गए हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे मनाली में रात का। अभी टाइम कितना, 11:15 बज रहा होगा। रात में एकदम ठंड होती है, दिन में आपको इतना मालूम नहीं पड़े भले ही, रात में तो संभल के रहिएगा। तो फिलहाल हमने अपने ग्लव्स भी टेस्ट कर लिए हैं, अच्छा खासा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है ये, ठंडी से बचा रहा है हम लोग को। और सॉक्स भी टेस्ट हो गए, तो यही अभी कुछ मंगाएंगे और देखते हैं क्या मंगाते हैं, क्या खाते हैं, और फिर जाएंगे हम लोग सीधे अपने ऊपर रूम पे और सोएंगे, एंड देन हम लोग कल सुबह ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। मिलते हैं आपको कल।